क्या है ये सब अंकल? बेटी की शादी आपने खुशी खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है और अब ये मुझे छोड़कर जा रही है तो दुख तो होगा ना, ऐसे कैसे विदा कर दूं? क्या अंकल, आंटी भी तो अपना घर छोड़ के आई थी, आपकी मम्मी भी तो घर छोड़ के आई थी ना। ये मत सोचिए कि आपकी बेटी दूर जा रही है तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। ये सिर्फ इस घर से दूर जा रही है, आप लोगों के दिल से नहीं। पति के घर में चावल के बर्तन को गिराकर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल, और इसीलिए मुझे लगता है माँ बाप को उसके अंदर एक आत्मविश्वास भर के भेजना चाहिए। उसे आशीर्वाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहां हंसते हंसते चली जाए, बल्कि उन्हें उसे ये समझाना चाहिए कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी, आपका आशीर्वाद ही इसके परिवार में सुख लाएगा। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। सुपर, बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, भले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया, शब्द ही नहीं बचे। यह ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम गुमसुम सा हो जाता है, पर तुमने हम जैसे माता पिता को आज हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया है। मुझे गर्व है तुम्हारे माता पिता पर जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। अब तुम कहाँ से हो बेटा? बेंगलुरु सर। हाँ, ये रहा मेरा कार्ड। ओ, एनके कंस्ट्रक्शंस, सुना है मैंने। हमेशा खुश रहो। जी, जब से आप गांव गए हैं तब से साहब को देखिए ना, पी ही रहे हैं। hey, आर्या, पहले तुमने कभी नहीं पी, फिर आप क्यों पी रहे हो? देखिए डैड, मैंने आपको परमिशन दी थी सिर्फ एक पैक पीने की, आपको कहा था लाइट ड्रिंकिंग करना तो आप टाइट होके बैठ गए। वो तुम घर पर नहीं थे तो मैं अकेला पड़ गया था, इसलिए पैक पर पैक पीता चला गया। ठीक है, लो नहीं पीऊंगा। आई लव यू बेटा, आई लव यू माय सन। तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। और आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूं। अब ये नाटक बंद कीजिए, मैं आ गया हूं ना, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, बिल्कुल नहीं, नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो आप सो जाएंगे? चलिए। Let's begin the day. Sir, government ने हाईवे और एयरपोर्ट के टेंडर के लिए खबर भिजवाई है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बेहतर है सर। No, I think highway is a better project. क्योंकि उसमें हमें एक्सपीरियंस भी है। यह हमारे लिए एक नया चैलेंज होगा। अगर हमें एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है तो हमारी कंपनी प्रोफाइल से इसको फायदा होगा। पर हाईवे में ज्यादा प्रॉफिट है। You don't know the profit in airport. हाँ बिल्कुल, I support for airport sir. I do sir. Even I. हाईवे वाला प्रोजेक्ट बेहतर है सर। मी टू। सर, डिसीजन इज योर्स, प्लीज टेक ए कॉल। गुड मॉर्निंग।
थैंक यू। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाईवे प्रोजेक्ट बेहतर है या एयरपोर्ट, आपका क्या कहना है सर? यस सर, बट डैम क्यों सर? वो कर्नाटक में केएसआर है, तुंगभद्रा है और एक है हाँ लिंगनमक्की, हालमट्टी, हारंगी, हेमावती, कोदसल्ली, वाणीविलास सागर, शांति सागर, बसव सागर, रेणुका सागर, हरिद्रा, राजा लक्ष्मण गोड़ा, कनवा, कदरा, भद्रा, सुपा, टोटल वहां 17 मेजर डैम्स हैं। पर हमारी कंपनी ये डैम बनाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजें। But why? Life savior for whom? Farmers. Farmers? Why? जब भी हम बड़े-बड़े इन्वेंटर्स की बात करते हैं, तो हवाई जहाज, सैटेलाइट और बिजली इन्वेंट करने वालों की बात होती है। लेकिन मेरा मानना है, सबसे बड़ा इन्वेंशन और उसे इन्वेंट करने वाला किसान और उसकी फसल है। The farmer is the first scientist. अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा, तो इन्वेंशन कैसे करेगा? पर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ मैं समझता हूँ, हम बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है, पर हम हर बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। हर इंसान जो खाना खा रहा है वो उन किसानों का कर्जदार है। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। अगर आजकल हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नजर आता है, लेकिन जो डैम हम बनाएंगे वो हर उस किसान की जिंदगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता है। इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भरपूर पानी मिलेगा। अगर पानी है तो फसल है, फसल है तो किसान भी है, और अगर किसान है तो देश है। मेरे पास इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। हेलो, जिस जमीन पर हम मलेशियन कंपनी के साथ मिलकर केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, सरकार ने वहां डैम बनाने की परमिशन दे दी है। अगर उसे रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा, मीडिया वाले हंगामा खड़ा कर देंगे, तो ये मामला तुम ही संभालो। ठीक है। वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद ही हम सब ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड।